दोस्तों अक्सर कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कॉन्फिडेंस की बहुत कमी पाई जाती है। योग के अंदर कुछ मुद्राएं ऐसी बताई गई हैं जिनका उपयोग करके आप अपने आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। कौन कौन सी वो मुद्राएं हैं, कितने समय तक करना चाहिए और उसका रियल बेनिफिट आपको कितने समय के करने के बाद दिखाई देगा उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली आपकी मुद्रा है कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा करने के लिए आप पहले सीख लें, देख लें किस प्रकार से करनी है। पहली दो फिंगर्स को इस प्रकार से फोल्ड कर दें, ठीक है, और बाकी जो बची हुई फर्स्ट टू फिंगर्स हैं उनको अंगूठे के साथ मिला देंगे। ये हुआ आपका कुबेर मुद्रा का अभ्यास। ठीक से देख लें, समझ लें। इस मुद्रा का अभ्यास विशेष तौर पे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए करना चाहिए। आपके आत्मविश्वास को ये बढ़ाता है, साथ ही आपके नर्वस सिस्टम पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अगला 12 अभ्यास है मुद्रा का आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए आप अपनी मिडिल फिंगर को अंगूठे के साथ मिला देंगे इस प्रकार से, और ये हो गई आपकी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा का अभ्यास भी आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने के लिए करना चाहिए। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, और शरीर के अंदर से हम जैसा फील करते हैं उसी पे डिपेंड करता है हमारा आत्मविश्वास। तो ये आपके आत्मविश्वास को कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करेगा। अगला हमारा अभ्यास है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा करने के लिए इस प्रकार से इंटरलॉक करें फिंगर्स को और फर्स्ट फिंगर को इस प्रकार से मिला लेंगे और ऊपर से अंगूठा आपका इस प्रकार से मिल जाएगा। ये हुआ आपका उत्तर बोधि मुद्रा। ये आनंद को देगी आपको, अंदर से हैप्पी हार्मोन को सिक्रेट करेगी, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने में मदद करेगी। जितना आप अंदर से खुश रहते हैं, जितना आप अंदर से आपका डोपामाइन रिलीज होता है, उतने अधिक आप कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं, कॉन्फिडेंट फील रहता है आपको। साथ ही आप अंदर से आपको फील होता है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है, तो इन मुद्राओं का उस पर प्रभाव पड़ेगा। अगली मुद्रा मैं बता रहा हूँ ध्यान मुद्रा। इसका अभ्यास भी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो दोनों हथेलियों को इस प्रकार से, एक हथेली को नीचे एक को ऊपर इस प्रकार से रखा, उसके बाद अपने अंगूठों को इस प्रकार से मिला दिया। इस मुद्रा का अभ्यास भी आपको मन की शांति देगा, साथ ही आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और सकारात्मक सोच के विकास के लिए भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो ये मुख्य चार मुद्राएं थी जिनका आपको आत्मविश्वास या पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इनका अभ्यास करना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, अंदर से आनंदित करने में, मन को शांत रखने में इन मुद्राओं का विशेष अभ्यास करना चाहिए। तो जिन भी लोगों में लो कॉन्फिडेंस फील होता है उन लोगों को इन मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। अब अंत में बात करते हैं कि कितने समय तक और किस समय इनका अभ्यास किया जाना चाहिए। तो देखिए, समय की अगर मैं बात करूं तो 10 मिनट से आप शुरू करके 45 मिनट तक इनका अभ्यास कर सकते हो। 10 मिनट के बाद ही इनका रियल बेनिफिट आपको मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक मिनट मुद्रा का अभ्यास किया और उसका आपको बेनिफिट मिल गया, नहीं। जब आप एक स्थिति में रहते हैं और शरीर उस हिसाब से कार्य करना प्रारंभ करता है, प्राणों का संचार उस हिसाब से होने लगता है। ये बॉडी गेस्टर्स होते हैं जिनका हम प्राणों को एक सही डायरेक्शन में लेके जाते हैं इनके माध्यम से। जब हम एक हथेली की इन उंगलियों को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग उंगलियों के साथ में जब टच करते हैं अंगूठे को, तो उसका अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। हमारे शरीर की सभी उंगलियों के अंदर पंच प्राण स्थित हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पे इन मुद्राओं का हमने डिज़ाइन किया है, इन मुद्राओं का योगिक कल्चर में उपयोग किया जाता है। तो आत्मविश्वास के लिए इन मुद्राओं का अभ्यास करना शुरू करें। साथ ही अब अंत में बात करते हैं कि किस समय करना चाहिए। देखिए, खाना खाने के एक घंटा बाद आप कभी भी इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर कर सकते हो, रात को सोने से पहले कर सकते हो, सुबह उठते वक्त कर सकते हो, और योग प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हुए अगर इन मुद्राओं का अभ्यास करोगे तो इसका बेनिफिट आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर आप मुद्राओं का अभ्यास प्राणायाम या ध्यान करते हुए, योग करते हुए करेंगे तो इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज के वीडियो में यही था। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मुद्राओं का अभ्यास करने के बाद आपका रियल बेनिफिट कैसा रहा, रियल एक्सपीरियंस कैसा रहा। इन मुद्राओं का अभ्यास आप फर्स्ट वीक में ही आपको महसूस होने लगेगा और बाकी लोगों को भी आपके व्यवहार में, आपके स्तर के अंदर महसूस होगा। तो आज के वीडियो में यही था। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।